हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक की, जो कि है ऑनलाइन क्लासेस। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका ऐसा कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है अच्छी नहीं होती है, या बच्चों को उनसे एक्सपोज करना इज़ नॉट गुड और राइट एट द एज ऑफ 3, 4 और 5। और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी बेनिफिशियल होती है, और मेरा खुद का सोचना कुछ अलग है इस पॉइंट के बारे में। तो अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बातें करते हैं, तो मैं सबसे पहले तो आज की करंट सीन की बात करना चाहूँगी। हमारा जो करंट सीन है, जो कि है COVID-19, पूरा वर्ल्ड उससे स्ट्रगल कर रहा है, हम सब उससे स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग लॉकडाउन को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। हमने देखा है कि जो बच्चों की समर वैकेशंस थी, जो कि अप्रैल में चालू होती है, वो मार्च में ही स्टार्ट हो चुकी थी ड्यू टू COVID-19। लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था, तो कहीं ना कहीं बच्चों की लर्निंग अफेक्ट हुई है। मैंने ये भी नोटिस किया है कि बच्चों ने जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से काफ़ी ये पेरेंट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट हो चुका है कि उन्हें किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, और बच्चे खुद भी घर बैठ के काफ़ी बोर हो चुके हैं। एक टाइम होता है जब बच्चे बहुत इंटरेस्ट से और बहुत विलिंगली कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या पार्ट लेते हैं, बट एक टाइम के बाद में वो खुद बोर होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये घर की ही एक्टिविटी है, उनके ऊपर स्कूल का या कोई भी टीचर का कोई प्रेशर नहीं होता है। सो अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, तो ऑनलाइन लर्निंग इज़ गुड ऑल्सो, एंड इट इज़ सम हाउ नॉट एज गुड एज़ वी एक्सपेक्ट देम टू बी। अगर हम नॉट एज गुड की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। जब हम बच्चों को किसी क्लासरूम में भेजते हैं, या एज ए टीचर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो हम फेस टू फेस बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं है। फिर बच्चों की क्वेरी या कंसर्न्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली टीचर से खुद पूछते हैं, जिसका टीचर सॉल्यूशन देती है। ऑनलाइन क्लासेस में कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कैमरा शाय होते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम होती है लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं। देर आर टाइम्स कि वो अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आप टीचर से ये क्वेश्चन कीजिए, और उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम उसे इसमें ये डिफ़िकल्टी है। देर आर टाइम्स कि जब ऑनलाइन क्लासेस में मैम या टीचर जो भी पढ़ा रही है, वो बच्चों पे मॉनिटर नहीं कर सकती है, अगर उसकी स्ट्रेंथ 15, 17 या 20 या 25 बच्चे होते हैं, और क्लास के अंदर एक ही टीचर इतने बच्चों को मॉनिटर कर सकती है। फिर हमने देखा है ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे आपस में भी इंटरेक्ट करने लगते हैं, कितने बच्चे होते हैं जो मस्ती करने लगते हैं या चले भी जाते हैं अपने कैमरे को बंद करके, तो टीचर उनके ऊपर नज़र नहीं रखती है। बट यही चीज, सेम चीज़ अगर हम आज की सीज में डिस्कस करें, तो अभी हमारे लिए मेजर कंसर्न और प्रायोरिटी है हमारे बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी। लर्निंग ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कुछ स्कूलों में या काफ़ी सारे स्टेट्स ने, कि बच्चों को अभी इनिशियली स्कूल ना भेजा जाए और ऑनलाइन क्लासेस ही स्कूल के थ्रू चलाया जाए, तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है, बिकॉज सबसे पहले आती है हमारे बच्चों की सेफ्टी और हेल्थ। जहाँ हम सेफ्टी और हेल्थ की बात करते हैं, और जहाँ हम कोविड की बात करते हैं, हम बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, वॉश योर हैंड्स की बात करते हैं, जो कि स्कूल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बच्चों की लर्निंग हैम्पर ना हो, इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट करने का एक मीडियम ढूंढा है। गवर्नमेंट ने सोचा है कि बच्चों को कहीं ना कहीं लर्निंग उनकी स्टॉप नहीं होना चाहिए, तो स्कूल्स ने ऐसी मीडियम्स चालू करी है, काफ़ी सारे टूल्स स्टार्ट किए हैं, जिससे कि ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट किया जाए और बच्चे जो है आगे की ग्रेड में जो प्रमोट हो रहे हैं वो पढ़ सके। तो अगर मेरे पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ व्यू की आप बात करते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि लर्निंग स्टॉप नहीं होना चाहिए। हम घर पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, बींग अ टीचर, बींग अ पेरेंट, तो एक पॉइंट आ जाता है जब पेरेंट्स खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर, और जहाँ एक पॉइंट आता है जहाँ बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाहते, तो ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत अच्छा मीडियम है, जहाँ बच्चे टीचर्स के सामने रहते हैं और जहाँ बच्चों को ये फीलिंग आती है कि मेरी टीचर मुझे ऑब्जर्व कर रही है,
है, तो मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे दिया हुआ होमवर्क करना है और कल उन्हें दिखाना है। लर्निंग की कोई एज नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती। जिसे जिसे सीखना होता है वो किसी एज में भी सीख सकता है और जिसे सीखना होता है वो किसी भी मीडियम के थ्रू भी सीख सकता है। अब आप बात करेंगे, हम देखेंगे आजकल बहुत तरह तरह की ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई, जैसे योगा है, डांस है, म्यूजिक है। ये बात अलग है कि हम जब बच्चे को स्कूल में भेजते हैं 5 या 6 घंटे के लिए, तो बच्चों के कुछ पीरियड्स होते हैं, इंग्लिश पीरियड, मैथ्स पीरियड, सोशल साइंस पीरियड, डांस पीरियड। इसी तरह से आजकल स्कूल्स ने काफ़ी अच्छे ऑनलाइन प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं जिसमें बच्चों को ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाएगी और साथ में उनको पढ़ाई भी सिखाई जाएगी जो कि उनकी यूजुअल रूटीन में करी जाती है। तो मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत अच्छा मीडियम है। ये बात अलग है कि हर एक स्कूल का पढ़ाने का तरीका, ऑनलाइन क्लासेस का कंडक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर आप बात करते हैं छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए हम लोग कहते हैं कि इन्हें हम स्क्रीन टाइम इतना ना दें। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, ये 4 साल का है या 5 साल का है, जो कि 5 घंटे या 4 घंटे के लिए स्कूल जाता है, तो ऑनलाइन क्लासेस को 2 घंटे के लिए भी कंडक्ट किया जा सकता है। स्कूल्स कुछ ऐसे प्रोग्राम भी बना रही है कि बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम दिया जाए बट उनकी लर्निंग हैम्पर ना हो, वो पॉजिटिव वे में मूव करते रहे, उनकी कहीं ना कहीं से लिंक और कनेक्शन स्कूल से ब्रेक ना हो, ताकि जब स्कूल ओपन हो या नॉर्मल क्लासेस ओपन हो तो उन्हें ये फीलिंग नहीं आए कि उन्हें स्कूल नहीं जाना है और वो कनेक्टेड रहे और उन्होंने जो भी आज तक सीखा है या अभी तक सीखा है वो ना भूले और उसका भी रिविजन प्रॉपर होता रहे। तो अगर आपको भी लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत बेनिफिशियल है या इसके आपकी नज़र में कुछ आपको है कि इसके कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि नहीं हम बच्चों को फेस करना चाहिए या ये अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यू पॉइंट ज़रूर शेयर करिए।